नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आमजन का अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्वक उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिए मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाए। चिकित्सा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए ठंडा पानी, पानी भरे हुए कूलर और पंखों की 100% व्यवस्था होनी चाहिए। विद्युत कटौती में वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने चिकित्सकों को समय पर पहुंचने की हिदायत दी और कहा कि रोगियों और परिजनों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार रखें। आपका व्यवहार मरीज के इलाज में दवा के बराबर काम करेगा। अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी से निर्वहन करें। उन्होंने चिकित्सकों से स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि हीट वेव और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करें। ईंट भट्टों पर श्रमिकों के पास जाकर जानकारी दें। गर्भवती महिलाओं की समयबद्ध समुचित जाँच करवाएं। चिकित्सालयों में आई शिकायतों का संवेदनशील होकर समाधान करें। BCMHO अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस की जांच कर सभी चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने विभागीय कार्यों और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और BCMO उपस्थित थे।